गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जहां पे हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था जो है ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिटिंग इन अ बैंक अकाउंट और विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। ये दो तीन टॉपिक्स जो हैं वो हमारे छूट गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब ओपनिंग ऑफ अ सेविंग बैंक अकाउंट, अब कैसे ओपन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्टूडेंट बाय नाउ यू हैव गॉन थ्रू मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बैंक इन योर प्रीवियस क्लास। आपने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा बैंक के बारे में पढ़ा था, हमने लोन्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं हमने ये पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि उन ट्रांजैक्शंस को कैसे हम अवेल कर सकते हैं, कैसे हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़रूरी है आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमसे सबसे पहले बैंक का इंक्वायरी करनी पड़ती है, कौन सा बैंक में हमने अकाउंट खोलना है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या वो हमारी सहायता करेगा, क्या वो हमारी सुनेगा, क्या हम उसमें पैसे रखेंगे तो वो सेफ रहेंगे, क्या वो बैंक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या उसकी ब्रांच हमारे घर के पास में है, क्या उसका एटीएम इजीली अवेलेबल है। तो हम उन चीज़ों को देखकर ही हम एक बैंक का चयन करते हैं, हम एक बैंक को चूज़ करते हैं और उसको बारे में आगे देखते हैं। कीपिंग इन व्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक, इट सीम्स नेसेसरी टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ अ बैंक। अब ये देखना कि इम्पॉर्टेंस क्या है बैंक की, उसके लिए हमें उसकी सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे हम पानी की सर्विसेज को यूज़ करेंगे, बिजली की सर्विसेज को यूज़ करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बिजली की इम्पॉर्टेंस है क्या हमारी लाइफ में, पानी की इम्पॉर्टेंस है क्या। वैसे ही अगर हम बैंक की सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैंक की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। वी होप यू विल टेक केयर ऑफ योर पॉकेट मनी इन अ प्रूडेंट वे एंड ट्राई टू सेव अ पॉसिबल पोर्शन ऑफ इट एंड डिपॉजिट इट विद द बैंक। मैं ये होप करता हूँ कि आपको पॉकेट मनी जो मिलती होगी आप उसको ध्यान से अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास कोई पैसा उसमें से बचता है, आपकी पॉकेट मनी से कुछ मनी बचती है, तो आप उसको बैंक में सेव कराने की कोशिश करेंगे। फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। आपको बैंक में सेविंग करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए आपके बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। एज ऑल योर एक्टिविटीज इन स्कूल आर मॉनिटर्ड थ्रू द रोल नंबर सो दैट डाउट शुड अकर बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम नेम। अब आपके स्कूल में रोल नंबर वाइज आपके नाम होते हैं, आप देखिए आपके स्कूल में जब भी रोल नंबर दिए जाते हैं, आपको एडमिशन होती है तो एडमिशन नंबर दिए जाते हैं, तो वो इसलिए होता है कि आप एक वे से आपको अलग अलग, जैसे कभी कभी किसी के नाम सेम होते हैं तो उनको अलग अलग पहचान मिल जाए, तो हम एक अकाउंट नंबर रखते हैं कि जिससे उनकी नाम को अलग अलग पहचान मिले, कि इसका अकाउंट नंबर ये है। जैसे दो नाम सेम है तो एक क्लास में उनके रोल नंबर अलग होंगे, तो उनकी पहचान क्या हो जाती है उस टाइम पे, नाम के साथ साथ में रोल नंबर। लाइकवाइज यू नीड टू हैव एन अकाउंट नंबर इन द बैंक टू रिकॉर्ड योर डिपॉजिट एंड विड्रॉल टू अवॉइड मिक्सिंग विद एनी अदर पर्सन ऑन द सेम नेम। अगर सेम नाम का कोई और आदमी हो उसके साथ मिक्स ना हो जाए, आपके पैसे अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसी नाम का अगर कोई और इंसान हो उसको निकाल ना पाए, इसलिए आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है ताकि आप सेम नाम के इंसानों से अलग हो सकें, थोड़ी सी आपको अलग पहचान मिले। अब वो अकाउंट नंबर आपको कैसे मिलता है, बाय ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट इन अ बैंक। हम पहले सेविंग अकाउंट की बात करेंगे, वैसे मेनली सारे अकाउंट्स इसी तरीके से खोले जाते हैं, बट हम सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात करेंगे जो आपकी बुक में है। कुछ पॉइंट्स जो हम कंसीडर करेंगे, चूज़ अ बैंक इन विच यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। सबसे पहले हमारा काम है बैंक को चुनना जो जिसमें हमें बैंक अकाउंट खोलना है। अब वो बैंक, द स्टेप
दिस स्टेप इन्वॉल्व चूजिंग और सिलेक्टिंग अ बैंक विद विच अ पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन एन अकाउंट. सबसे पहले सिलेक्ट करना कि कौन सा बैंक हमारे पास में है, कौन सा बैंक हम इजीली अवेलेबल है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, कौन सा बैंक हमारे साथ वेल बिहेव्ड मैनर से बात करता है, हमारी हेल्प करता है, हम उसी के पास जाना प्रेफर करते हैं. प्रेजेंटली वी हैव मैनी बैंक्स ऑपरेशन इन आर स्टेट. हमारे स्टेट में बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि ऑपरेट हो रहे हैं. जो एक बैंक पॉपुलरली जो आपको जानते होंगे वो होगा J&K बैंक. उसके अलावा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया. तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि आपकी स्टेट में इस टाइम पे अवेलेबल हैं. और आपने कुछ कमर्शियल बैंक्स भी देखे होंगे, जैसे कि ICICI बैंक, नगरोटा में आपने देखा होगा ICICI बैंक भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ग्रामीण बैंक है जिसमें कि आपके मोस्टली ग्रामीण रूरल बैंक जो है वो आपका ग्रामीण बैंक है. फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म. बैंक को चुनने के बाद आपका दूसरा स्टेप है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है, हर बैंक की एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना. उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम होता है, कुछ डिटेल्स होती हैं, पेरेंट एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, उन सब चीज़ों को देखना, रेजिडेंस को भी देखना, उन सब चीज़ों को उसमें लिखना, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का सेकेंड स्टेप कम्प्लीट होता है. जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म बैंक से लिया, उसको फिलअप करके आपको बैंक को ही सबमिट कराना है. सबमिट द फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म. द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड टू द बैंक ऑफिसर. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द बैंक मे आस्क फॉर नेसेसरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द सेम द बैंक मे इशू एन अकाउंट नंबर. अब जब आपने बैंक का एक एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जब आप अकाउंट मैनेजर को, वो बैंक ऑफिसर जो आपका होगा, उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो आपको कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच करने को कहेंगे, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके एड्रेस का एक प्रूफ होता है, उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ती है. साथ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसको लगाना पड़ता है. आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी भी कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ सकती है. इसके साथ साथ आजकल आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी पूछी जाती है, जो कि आप उसके साथ लगा सकते हैं. अब बैंक इसी बेस पे ये सारे प्रूफ लेने के बाद ही आपको एक अकाउंट नंबर इशू करता है. रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक. अब जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बैंक आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देता है, आपको कॉपी देगा, एक बुकलेट देगा, आपका कार्ड देगा, और अगर आप चेकबुक के लिए अवेल करते हैं तो आपको चेकबुक भी मिल जाएगी. ये सारे चीज़ें जो हैं आपको बैंक में, बैंक का अकाउंट ओपन होते ही आपको मिल जाती हैं. आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म द बैंक इशूज़ एन अकाउंट नंबर. जब आपने सबमिट कर दिया ये पूरा फिल्ड फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद बैंक आपको एक अकाउंट नंबर इशू करता है. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्मॉल बुक नोन एज पासबुक विच कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ द अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर. अब जो बैंक है वो आपको एक छोटी सी बुक देगा जिसको पासबुक बोलते हैं, और जिसके अंदर आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई होगी. उसमें आपका अकाउंट नंबर विद होल्डर्स नेम दिया होगा. द एंट्रीज रिगार्डिंग कैश डिपॉजिट एंड विदड्रॉल आर ऑल्सो एंटर्ड इन दिस बुक फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं या विदड्रॉ करते हैं, आप उन एंट्रीज को इस पासबुक में टाइमली एंटर करवा सकते हैं. The passbook serves as an important documentary link between bank and the bank holder. ये जो passbook है ये एक important link बन जाता है bank और account holder के बीच में. The bank may also issue ATM card. अब जो bank है वो ATM card भी issue करेगा आपको. इसके साथ साथ procedure of opening an account. अब
क्या प्रोसीजर है उसका? सबसे पहले आप बैंक में जाएंगे, बैंक के बारे में पता करेंगे, उस बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले द स्टेप इज़ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इट इंक्लूड्स नेम, पेरेंटेज, रेजिडेंस एंड ऑल अदर रेलिवेंट डिटेल्स। जैसे आपको बताया मैंने, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी होंगी, आपका नाम दिया होगा, पेरेंटेज दी होगी, आपका रेजिडेंस दिया होगा, आपकी रेलिवेंट डिटेल्स जैसे आपकी एज हो गई, आपका फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी जिसको आपको फिल करना है। साइनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करना। जहाँ पे आपके साइन की रिक्वायरमेंट होगी साइन करेंगे, जहाँ पे थंबप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे थंबप्रिंट करेंगे। पेस्टिंग फोटोग्राफ ऑन फॉर्म एज स्पेस प्रोवाइडेड फॉर, और बाद में आपको एक या दो या तीन फोटोज़ भी उसके अंदर अटैच करने पड़ सकते हैं एज़ पर द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि बैंक में बोला गया होगा उस टाइप से आपको फोटोज़ भी अटैच करनी होंगी जहाँ पे वो उसकी जगह दी गई होगी। उसके बाद अटैचिंग फोटोस्टेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कॉपीज़ भी उसमें लगानी, जेरोक्स कॉपीज़ भी उसमें लगानी, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया, जो भी बैंक आपको अलाउ करेगा। सबमिटिंग द फॉर्म टू द बैंक मैनेजर, उसके बाद जो भी बैंक मैनेजर है, अकाउंट ऑफिसर है, जो भी बैंक ऑफिसर है उसके पास आप जाएंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अगर कोई कमी होगी वो आपको बता देंगे, उसी टाइम आपको उसको ठीक करना होगा। अगर उसमें कोई कमी नहीं होगी आपके बैंक के पेपर्स को ले लिया जाएगा। गेटिंग पासबुक ऑफ योर अकाउंट नंबर, उसी फिर उसके बाद आपको एक पासबुक मिल जाएगी वहाँ से जिसको आप ले सकते हैं उनसे। पासबुक इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर बैंक अथॉरिटीज़ विल रिकॉर्ड ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द बैंक पीरियोडिकली। अब ये जो पासबुक है ये आपका एक रिकॉर्ड है जो बैंक के पास रहता है, जहाँ पे बैंक वाले आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे। आप डिपॉजिट करा रहे हैं, विड्रॉ करा रहे हैं, जो भी उसमें चीज़ें हो रही हैं वो सारा रिकॉर्ड उसमें रहेगा। By adopting the above process, your account will be opened by the bank. इस process के through आपका bank account जो है वो open हो जाएगा। Depositing money in a saving bank account, अब saving bank account में अपने पैसे को deposit करना कैसे करते हैं? आपने ये देखिए, teller के पास जाते हैं, कोई भी अगर deposit करना है या withdraw करना है, हम teller के पास जाके उस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये टेलर है, यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, इस टेलर पे जो एटीएम है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ऑटोमेटिकली आप विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन अ बैंक द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अडॉप्टेड। क्या स्टेप्स हैं इसको डिपॉजिट करने के? Approach the bank where you have to deposit the cash. पहले उस बैंक में जाना जहाँ पे आपका अकाउंट है, उसकी ब्रांच में जाना और वहाँ पे डिपॉजिट कर देना। For first of all, a person should identify the bank and the branch where the cash is to be deposited. सबसे पहले जो होल्डर है, जिसने बैंक में डिपॉजिट करवाना है, उसको सबसे पहले देखना है कि उसको कौन से बैंक में जाना है और उसकी कौन सी ब्रांच में जाना है, और वहाँ पे जाके वो कैश को डिपॉजिट कर सकता है। फिल अप द पे इन स्लिप, उसके बाद आपको पे इन स्लिप को फिल करना है। हर बैंक को डिपॉजिट पैसे डिपॉजिट करने के लिए वहाँ पे एक पे इन स्लिप होगी जहाँ पे आप उस पे इन स्लिप को फिल करेंगे और आप कैश को डिपॉजिट करा सकेंगे। द बैंक नीड्स अ पर्सन टू फिल अप द पे इन स्लिप, बैंक को चाहिए जो भी इंसान पे इन स्लिप को फिल करेगा उसको कैश जमा कराने से पहले पे इन स्लिप को फिल करे। पे इन स्लिप कंटेन्स इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स, लाइक पे इन स्लिप में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको फिल करना है। क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं? अकाउंट पर्सन का नाम होता है, जिसका अकाउंट है वहाँ पे उसका नाम होगा,
उसका अकाउंट नंबर होगा, डेट होगी, अमाउंट होगा, उसको वर्ड्स में भी लिखना है, उसको फिगर्स में भी लिखना है, आपका फ़ोन नंबर भी होगा जो कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी डिपॉजिट करा रहा है उसका फ़ोन नंबर के साथ साथ उसका सिग्नेचर भी, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर दी जाती है। उसके बाद उसके बैक साइड में या उसके फ्रंट साइड में एक कॉलम होगा जहाँ पे आपको आप लोग अपने कैश का नंबर भी लिख सकते हैं। सपोज़ आप अलग अलग बैंक के नोट्स लिख रहे हैं, 500, 2000 के नोट्स हैं, 500 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं, तो आप उसमें कॉलम में फिल कर सकते हैं कितने 500 के नोट्स हैं, कितने 2000 के हैं, कितने 100 के हैं, आप उनको आराम से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ पेन स्लिप में आप चेक का भी यूज़ कर सकते हैं, चेक में भी सेम होगा, अकाउंट नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, सेम चेक नंबर आपको पीछे जो जिस फॉर्म को आप पे इन स्लिप को भरेंगे उसके पीछे चेक नंबर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे चेक नंबर लिख सकते हैं और उसको भर सकते हैं। एक पार्ट उस पे इन स्लिप का बैंक में रहता है और जो दूसरा पार्ट है वो आपको दे दिया जाता है स्टैंप लगा के जब आप डिपॉजिट कर देते हैं। थ्री अप्रोच द रिसीप्ट काउंटर्स, अब तीसरा स्टेप क्या है, आपको रिसीट काउंटर पे जाना। वंस यू हैव फिल द पे इन स्लिप यू हैव टू अप्रोच द रिसीट काउंटर, रिसीट काउंटर पे जाना है, उनको डिपॉजिट करना है और क्यू में लगना है, कैश डिपॉजिट करना है, वो स्टैंप लगाएंगे और आपको स्लिप दे देंगे। टेक द रिसीट, अब पहले आपने स्लिप जो पे इन स्लिप है उसके साथ में कैश उनको दिया काउंटर पे, जैसे ही वो कैश को डिपॉजिट कर लेंगे पे इन स्लिप को चेक कर लेंगे कि अमाउंट सही भरा है, उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, एक पार्ट वो अपने पास रखेंगे, दूसरी रिसीट जो है वो आपको दे देंगे। कीप द रिसीट एट सेफ प्लेस, अब उस रिसीट को आपको सेफ प्लेस पे रखना है कि इन फ्यूचर अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पे इन स्लिप को दिखा सकते हैं बैंक को। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप है विड्रॉइंग करना। सबसे पहले हमने डिपॉजिट करना सीखा, विड्रॉ करने के दो तरीके हैं बैंक में, या तो आप बैंक की ब्रांच को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म फिल अप करके, या आप एटीएम कार्ड को लेके एटीएम मशीन के पास जाएंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के पास जाएंगे, वहाँ पे कार्ड डाल के आप अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये दोनों वेज हैं जिसके थ्रू आप अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब विजिटिंग द ब्रांच, हम इस प्रोसीजर को देखेंगे। बाय विजिटिंग द ब्रांच, सबसे पहले बाय फिलिंग विड्रॉल फॉर्म, आपको विड्रॉल फॉर्म को भरना पड़ता है। जैसे कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको पे इन स्लिप भरनी थी, वैसे ही विड्रॉ करने के लिए आपको विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता है। द पर्सन हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ पर्सनली एंड फिल अप द विड्रॉल फॉर्म, जिस इंसान का वहाँ पे अकाउंट है उसको पर्सनली बैंक में जाना पड़ता है और विड्रॉल फॉर्म को भरना पड़ता है। द बैंक विल इशू, द बैंक ऑफिशियल विल आइडेंटिफाई द पर्सन थ्रू पासबुक, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन विड्रॉल फॉर्म। जो बैंक का ऑफिशियल है वो आपकी पासबुक देखेगा, आपका फोटोग्राफ देखेगा और आपके सिग्नेचर देखेगा विड्रॉल फॉर्म में मैच करते हैं या नहीं। फिर दूसरा वे है, आप चेक से भी कैश को निकाल सकते हैं। चेक के थ्रू, द चेक कैन बी साइंड एंड इशूड बाय द बैंक होल्डर ऑन द कंसर्न बैंक। अब चेक भी साइन करके आप ले सकते हैं जो कि इशू किया जाता है बैंक होल्डर के नाम पे जिसका बैंक में खाता है। द बैंक विल इशू कैश अगेंस्ट सेम चेक, और बैंक उसी चेक पे आपको कैश दे देगा। जिसका अकाउंट है उस ब्रांच में, अगर वो आपको चेक देता है उस ब्रांच का, तो ब्रांच आप
को सिर्फ चेक लेके जाना है और आप वहाँ से कैश कलेक्ट कर सकते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन हिमसेल्फ ऑल्सो विदड्रॉ कैश थ्रू सच चेक्स। बैंक होल्डर जो है वो अपने नाम पे भी चेक लिख के खुद उसको कैश कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ चेक द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। अब चेक से हम अकाउंट टू अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा वे है बाय यूजिंग एटीएम मशीन। वहाँ पे जाएंगे कार्ड को लेके, कार्ड को मशीन में डालेंगे, मशीन उसको चेक करती है, एक पासवर्ड आपको बैंक देता है, उस पासवर्ड को वहाँ पे डालना है, पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पासवर्ड डालते ही आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाता है, आपको अमाउंट डालना है और उसको निकाल लेना है। आप अकाउंट निकालने के साथ में सिर्फ बैलेंस भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और रीसेंट ट्रांजैक्शंस भी उसमें चेक कर सकते हैं कि आपने रिसेंटली क्या क्या ट्रांजैक्शन उसमें की हैं। नाउ इसके साथ साथ आपका ऑप्शन ये भी होता है एटीएम मशीन में कि आपको स्लिप लेनी है या आपको स्लिप नहीं लेनी है। तो अगर आप स्लिप लेते हैं तो आपको स्लिप पे अकाउंट बैलेंस और आपने कितना अमाउंट निकाला है वो लिखा जाता है। अगर आप स्लिप नहीं ले रहे हैं तब भी आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो वहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है ई बैंकिंग। आजकल इन सब सुविधाओं के साथ साथ ई बैंकिंग भी आ गई है। ई बैंकिंग से आपका मतलब है इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जो इंटरनेट से जितनी भी हम बैंकिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करके, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए आपको बैंक में जब आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपने अकाउंट नंबर पहले से है आपको बाद में फॉर्म भरना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन देके। अगर आप अभी अकाउंट खुलवा रहे हैं आप उसी टाइम ही बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई बैंकिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अकाउंट खोलते ही आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड बैंक देता है। आप अपना अकाउंट जो है इंटरनेट पे कभी भी खोल सकते हैं। इंटरनेट पे खोलने के लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, जो हर यूज़र के लिए अलग अलग होता है। हर अकाउंट होल्डर के लिए अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको आपके अकाउंट इंटरनेट पे डालना है, इंटरनेट के पेज पे, बैंक के पेज पे, और आप अकाउंट को खोल सकते हैं। उसमें आप ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हैं, आपका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है मनी का, बैंक की पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको करनी है कुछ उसके थ्रू ही। यही जो इंटरनेट बैंकिंग है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, इसके थ्रू ही हम अलग अलग अपने ट्रांसफ़र्स जो हैं वो बैंक के थ्रू कर सकते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस भी जान सकते हैं। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको एक यूज़र नेम और आपका पासवर्ड लेना। यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपकी प्रोटेक्शन के लिए आजकल OTP भी बैंक हर आपका फ़ोन नंबर लेता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए एक OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड बैंक आपके फ़ोन नंबर पे डालता है, जो हर ट्रांजैक्शन में आपको वो वन टाइम पासवर्ड अलग अलग आता है और वो वन टाइम पासवर्ड आपको उसमें डालना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। विदाउट द हेल्प ऑफ OTP आप उस अकाउंट को नहीं खोल पाएंगे। मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब मेजर्स क्या हैं आपको बताएं कि किसी के साथ शेयर नहीं करना है पासवर्ड, पर्सनल कंप्यूटर पे ही यूज़ करें, पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, वन टाइम पासवर्ड लगा के रखें अपने फ़ोन के साथ, ताकि आपके फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड आए और बिना उसकी वेरिफिकेशन के आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट ना हो। अब इसके साथ साथ रोल क्या है पोस्ट ऑफिस का सेविंग के लिए, जैसे आप बैंक में खाते खोल सकते हैं, बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं डिपॉजिट के लिए, विड्रॉ के लिए, सेविंग के लिए, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, सेम आपका गवर्नमेंट ने
पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग की स्कीम रखी है कि आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल सकते हैं, विलेजेस में या सिटी में आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं जहाँ पे कि आपका सेविंग हो सकती है और आप उसको लंबे समय के लिए वहाँ पे सेविंग करके बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफिसेज विच आर फाउंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री आर लोकेटेड इन रिमोट विलेज एज वेल एज इन मॉडर्न सिटी सेंटर्स ऑफ द कंट्री। ये सिर्फ विलेजेस में नहीं सिटी सेंटर्स में भी आपको पोस्ट ऑफिसेस मिल जाएंगे हमारी कंट्री में। द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज़ द ओल्डेस्ट एंड बाय फार द लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ये बहुत ही पुराना बैंकिंग सिस्टम है और अभी तक सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है पूरी कंट्री में, जिसको लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे सेविंग के बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्विंग द इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल क्लाइंटल। आपके जो अर्बन और रूरल लोग हैं आप उनको इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड एज एन एजेंसी सर्विस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सर्विसेज हैं ये एक एजेंसी के लिए सर्विस करती हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। कौन सी एजेंसी इस सर्विस को चेक करती है पोस्टल सर्विस को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द इंडिया पोस्ट नेटवर्क विद ओवर 155,000, दैट मीन्स 155,000 ब्रांचेस इज ट्वाइस एज लार्ज द आउटरीच ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया पुट टुगेदर। इतने टोटल बैंक्स हैं उसका ट्वाइस, जो कि 155,000 ब्रांचेस हैं पोस्टल बैंक्स की इंडिया में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आप देखिए कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, एक आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो जाता है। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, जैसे आपका रेकरिंग अकाउंट बैंक में होता है वैसे ही 5 ईयर्स रेकरिंग डिपॉजिट आपका पोस्ट ऑफिस में भी होता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जैसे आपको मंथली इनकम वहाँ पे मिलती है यहाँ पे भी आप मंथली इनकम स्कीम को एक्वायर कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम को। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सेविंग स्कीम यहाँ पे बनाई गई है। 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, 15 ईयर्स का एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी इसमें बनाया जा सकता है। 5 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 8 इशू 5 ईयर का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। 10 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो आप पोस्ट ऑफिस में एक्वायर कर सकते हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ मनी, कैसे मनी एक एक्सचेंज का काम करता है, बैंक मनी की एग्जिस्टेंस कैसे हुई, कौन कौन सी मनी हम यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसके बारे में पूछेंगे। थैंक यू बच्चों, इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है।